अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन झिलमिल झिलमिल दो नैनों पे झिलमिल पल के तितली सी है बादलियों में बिजली सी। अटकन मटकन दही चटोकन ढूंढो बचपन कहाँ गया। अटकन मटकन अटकन मटकन। ये नई थेरेपिस्ट है, इसकी फीस थोड़ी ज्यादा है, ये करीबन 800 रुपए लगे तुमसे एक सेशन के लिए। मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। कैसे? मेरी एक दोस्त है मिसेस पटेल, वो अपनी बेटी को संगीत सिखाना चाह रही है। थैंक यू मामा। मिस्टर खन्ना के बैंक लोन की दूसरी किस्त अभी तक नहीं आई। देखिए ये लोन समीर मल्होत्रा ने पास करवाया था। लेकिन सर वो कटारिया सर। मिस्टर कटारिया इज ऑन सिक लीव। अंतरा कुछ नहीं हुआ बेटा, मैं हूँ ना, डरो मत। अंतरा सो जाओ बेटा, देखो अभी कहीं से आवाज नहीं आ रही। हाँ सो जाओ। आदित्य, पानी। आदित्य, बाहर अभी से इतना शोर शराबा शुरू हो गया, दिवाली पे पता नहीं क्या होगा। अंतरा कैसे बर्दाश्त करेगी ये सब? लोगों को रोका भी तो नहीं जा सकता ना। विद्या, एक गलती के लिए दो लोगों की सजा अलग अलग क्यों होती है? क्योंकि कोई जानबूझकर गलती करता है और कोई अनजाने में। जिसने अनजाने में गलती की वो ये सजा कब तक भुगतेगा? जब तक सच का ना पता चल जाए। किसे सच का पता किसे चलना चाहिए? उसे जिसने गलती की, या किसी और को, या फिर सारी दुनिया को? कुछ लोग एक छोटी सी गलती की सजा सारी जिंदगी भुगतते रहते हैं और कुछ लोग बड़ी से बड़ी गलती करके भी बेदाग रह जाते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। आदित्य, कोई बात है क्या? किसी ने कुछ कहा तुमसे? नहीं। तो फिर ये सब बातें? यार तुझे मिस कर रहा हूँ। इतना मजा आ रहा है कि सोच रहा हूँ कि कभी वापस ही ना आऊं। अच्छा घर में सब ठीक है ना? हाँ। और बैंक? कट्टू तुझे परेशान कर रहा होगा? अब नहीं कर सकता। उससे दोस्ती हो गई? हाँ ऐसा ही कुछ समझ ले। ये तेरी आवाज को क्या हो गया? तू ठीक तो है ना? हाँ हाँ बस तुम लोगों की बहुत याद आ रही थी। याद आ रही तो तू यहाँ आ जा। एक मिनट आरती रुको ना। ओके ये ले आरती से बात कर। हेलो आरती कैसी हो? ठीक हूँ भैया। गोवा का मौसम बहुत अच्छा है। आप लोगों की बहुत याद आ रही है। हेलो 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 आरती आरती तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। हेलो 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 आरती सुनो। आ जाओ अभिषेक। बिल्लू कम भैया आप 2 मिनट रुकिएगा। रमेश मिसेस गुप्ता कहाँ है? जी अभी वो बाहर गई हैं। अच्छा बिल्लू मैं आज से म्यूजिक की एक्स्ट्रा क्लासेस लेना शुरू कर रही हूँ तो मुझे आने में देर हो जाएगी। तब तक तुम अभिषेक को अपने साथ रख लोगे? अरे आंटी अभिषेक तो मेरा दोस्त है। ठीक है अच्छा अभिषेक मैं जाती हूँ और जल्दी आ जाऊंगी। मम्मी मैं भी आपके साथ जाऊंगा। बेटा अंतरा है ना मेरे साथ, मैं तुम दोनों को कैसे संभालूंगी? और फिर मुझे क्लास भी तो लेनी है। अंतरा को यही छोड़ दो। अभिषेक मैं अंतरा को नहीं छोड़ सकती बेटा। अच्छा प्रॉमिस मामा जल्दी आ जाएंगी और तुम्हारे लिए आइसक्रीम भी लेके आएंगी। नहीं जी मुझे आपके साथ जाना है। अभी जिद नहीं करते बेटा। अभी बेटा जिद नहीं करते कहा ना मैंने। चलो 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 बैठ जाओ। चलिए भैया। मिस्टर खन्ना ने जिस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट लोन लिया है वो प्रॉपर्टी खन्ना की नहीं है। इतने बड़े लोन के लिए कम से कम 4 लोगों की गारंटी की जरूरत थी लेकिन इसमें 2 ही नाम है। क्यों? कौन जिम्मेदार है इसका, आप या मिस्टर समीर? मिस्टर खन्ना के जाली पेपर्स मैंने बनाए थे, इसमें मिस्टर समीर का कोई हाथ नहीं। कितनी रिश्वत ली थी आपने इस काम के लिए? आपके अलावा और कौन शामिल है इसमें? इतनी बड़ी रकम कोई अकेले नहीं हजम कर सकता। बताइए और कौन है आपके साथ में? बोलिए मिस्टर वर्मा। आप बोलते क्यों नहीं है? जवाब दीजिए मिस्टर आदित्य वर्मा, जवाब दीजिए। इस तरह से खामोश बैठने से काम नहीं चलेगा। आप कर क्या रहे हैं? बोलिए ना। मोहे पन घट पे नंदलाल छेड़ गयो रे, मोहे पन घट पे हाँ मोरी नाजुक कलैया मारोर गयो रे, मोरी नाजुक कलैया मारोर गयो रे, मोहे पन घट पे। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर गाना सुनाया आपने। बस अब मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी स्वाति भी आप जैसा गाए। जी, उसके लिए लगातार रियाज की जरूरत पड़ेगी, वो तो आपको ही करवाना होगा। और हाँ, आपकी फीस वो भी मुझे बता दीजिए। जी देखो, पहले मैं आपको 300 रुपये पर क्लास दूंगी। अगर आप सही ढंग से सिखाएंगे तो 200 रुपये और बढ़ा दूंगी, ठीक है? जी। मिस्टर वर्मा, हम किसी धोखेबाज, रिश्वतखोर, सेल्फिश इंसान को अपने साथ नहीं रख सकते। बैंक का नाम बदनाम नहीं कर सकते, समझ गए आप? आपको नौकरी से निकाला जा रहा है मिस्टर आदित्य वर्मा। आप आज ही अपना रेसिग्नेशन लेटर दे दीजिए और कल से आपको यहां पर आने की कोई जरूरत नहीं है। अब जल्दी से तैयार हो जाओ, आज तुम्हारा डी-डे है। डी-डे? अच्छा, वो प्रमोशन लिस्ट के बारे में बोल रही थी। जी। प्लीज विद्या, इसे लेकर तुम कोई सपने देखना मत शुरू कर देना, मेरा नाम उसमें नहीं होगा। अरे क्यों नहीं होगा? मेरा दिल कहता है इस बार आपको जरूर प्रमोशन मिलेगा। बैंक का कारोबार अगर तुम्हारे दिल के कहने से चलता तो शायद मेरा चांस लग सकता था, लेकिन अभी वहां प्रमोशन पाने के माने बदल चुके। अब आप जितनी ज़्यादा चापलूसी करो, जितना यस सर करो, उतना ही जल्दी आपको प्रमोशन मिलता है। सो मेरा नाम उसमें नहीं होगा, लिख लो। और अगर हुआ तो? जो आपने किया कोई नहीं करता। आप बहुत अच्छे इंसान हैं आदित्य साहब। क्या अच्छा होना वाकई में अच्छा होता है? ये फाइल्स और ये मेरे ड्रॉअर की चाबी जमा करवा देना। आप लोगों की और इस बैंक की बहुत याद आएगी। सुना आदित्य नौकरी छोड़ रहा है? हाँ, उसे निकाल दिया गया खन्ना के केस को लेकर। बेचारा बहुत अच्छा इंसान था। दस दिन के बाद अगर मुझे मेरे पैसे नहीं मिले ना, तो समझता ना मैं क्या करूंगा। मैं तुम्हें जो ये थेरेपी सजेस्ट कर रहा हूँ, इसकी फीस थोड़ी ज़्यादा है। ये करीबन 800 रुपये लगे तुमसे एक सेशन के लिए। हेलो आदित्य, आज शाम 5 बजे अंतरा के साथ स्पेशलिस्ट से मिलना है, तुम आ जाना। और हाँ, कुछ एडवांस देना होगा, थोड़ा बहुत कैश साथ में रख लेना। ओके? ठीक है। ओके देन। अभिषेक, बिल्लू, ये लो अभिषेक। मुझे नहीं खाना, मैं आपसे नाराज हूँ। अभिषेक, तू वो नहीं खाएगा तो मैं वो भी खा लूंगा। बहुत खुश हो क्यों? हाँ, आज मुझे बहुत अच्छा म्यूजिक ट्यूशन मिल गया है। अब मैं स्कूल के बाद म्यूजिक सिखाने जाऊंगी। रोज जाओगी? हाँ बेटा, मामा को जाना पड़ेगा। अंतरा भी साथ जाएगी? हाँ बेटा, अंतरा को तो लेके जाना पड़ेगा ना, उसे अकेले तो छोड़ नहीं सकती, अभी बहुत छोटी है वो। मैं छोटा नहीं हूँ मम्मी। अभिषेक बेटा, अंतरा बीमार भी तो है ना, इसीलिए मामा उसको अकेला नहीं छोड़ सकती, उसे मामा की बहुत जरूरत है। तुम तो मेरे बहादुर बच्चे हो ना। मम्मी, अगर मैं अंतरा के जैसा होता तो मुझे अकेला नहीं छोड़ती ना। अभिषेक, खबरदार, आज के बाद ऐसा कुछ बोला तो। अंतरा के जैसा होना मतलब जानते हो तुम क्या? उस पर क्यों गुस्सा हो रहे हो आदित्य? उसे लग रहा है कि उसके माँ बाप पहले की तरह उसके करीब नहीं रहे। वो चाहता है कि पहले की तरह हम उसके करीब हो जाएं, बस। पहले और अब में बहुत फर्क है विद्या, और ये तो वो देख ही सकता है ना। घर में 50 तरह की परेशानियां हैं और ये उसे समझना चाहिए। एक 5 साल के बच्चे से तुम बहुत ज्यादा की उम्मीद कर रहे हो आदित्य। अपने बच्चे को इतना भी बड़ा मत बना दो कि वो अपना बचपन भी भूल जाए। अब ये बात तुम प्यार से भी तो समझा सकते थे ना उसे। पता नहीं कहां का गुस्सा तुम उस पर निकाल रहे हो। आदित्य, चलो। आदित्य, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हो तुम? आदित्य प्लीज, विद्या इस वक्त मुझे कोई बात नहीं करनी। ठीक है, मैं अंतरा को थेरेपी के लिए लेके जा रही हूँ। जाओ। अंतरा आप किसी भी थेरेपी के लिए नहीं जाएगी।